नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ सोने व चांदी के भाव। आज की पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम, भारत के 130 करोड़ लोग होंगे खुश। भारत की शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। भारत सरकार 2020 के शैक्षणिक स्तर में ही देश को नई शिक्षा नीति देना चाहती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई शिक्षा के अधिकार के दायरे में आती है। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार इस दायरे को बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा का लागू कर सकती है। नई शिक्षा नीति जारी करने से पहले मानव संसाधन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 33 साल बाद एक व्यापक विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है जो नव भारत का निर्माण सुनिश्चित करेगी। अगली बड़ी खबर है, जियो ने जारी किया धमाकेदार प्लान, ग्राहकों को दे रहा शानदार ऑफर। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है। इस प्लान में आपको 336 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में और भी बहुत कुछ ऑफर दिए जाएंगे। जियो का ये प्लान 2,121 रुपये का है। वहीं आपको बता दें कि जियो ने अपने ऑफर 2020 को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद 2,121 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया गया है। जियो के इस नए प्लान की टक्कर एयरटेल के 2,398 रुपये और वोडाफोन के 2,399 रुपये वाले एनुअल प्लान से होगी। अगली बड़ी खबर है, फ्रांस की सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला, सरकार ने इमामों और मुस्लिम टीचर्स पर लगाया बैन। फ्रांस की सरकार ने इमामों और मुस्लिम टीचर्स पर रोक लगा दी है, जिसके पीछे का चौंकाने वाला कारण बताया जा रहा है। सरकार ने यह रोक लगाने के पीछे यह कारण बताया है कि ये लोग कट्टरता और नफरत फैलाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने यह आदेश भी जारी किया है कि देश में मौजूद इमामों और मुस्लिम टीचर्स राष्ट्रभाषा भी सीखना जरूरी है और इस कानून का उन्हें सख्ती से पालन करना ही होगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मुताबिक सरकार ने यह फैसला कट्टरपंथ और अलगाववाद को रोकने के लिए किया है। इस कानून को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि दिक्कत तब होती है जब मजहब के नाम पर कुछ लोग खुद को अलग समझने लगते हैं और देश के कानून का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति फ्रांस के कानून का पालन और सम्मान करे। सोने व चांदी को लेकर अगली बड़ी खबर है, सोने व चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल, जानिए क्या रह गए भाव। आज वैश्विक बाजार में दोनों कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की गई। भारतीय बाजार में सोना रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। MCX एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 470 रुपये तेज हुआ। वहीं आज चांदी के वायदा भाव में भी 1% का उछाल देखा गया। वहीं वैश्विक बाजार की बात करें तो सोने की कीमतें आज 7 सालों के उच्चतम स्तर पर आ गई। कोरोना वायरस के चलते निवेशकों के लिए सोने के सेफ हेवन के रूप में मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में यह तेजी दर्ज की गई है। वहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार वैश्विक बाजार में आज सोना $15.5 की तेजी के साथ $1,634.61 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी $18.53 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। वहीं अब जान लेते हैं भारतीय बाजारों में सोने व चांदी के भाव क्या रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के चांदी के भाव। आज चांदी 1 ग्राम का रेट 49.60 रुपये, 8 ग्राम का रेट 396.80 रुपये, 10 ग्राम का रेट 496 रुपये, 100 ग्राम का रेट 4,960 रुपये व 1 किलो का रेट 49,600 रुपये रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 24 के रेट सोने के भाव। इससे पहले रोजाना सोने व चांदी का भाव जानने के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज 24 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 4,186 रुपये, 8 ग्राम का रेट 33,488 रुपये, 10 ग्राम का रेट 41,860 रुपये व 100 ग्राम का रेट 4,18,600 रुपये रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 22 कैरेट सोने के भाव। आज 22 कैरेट सोना 1 ग्राम का रेट 4,066 रुपये, 8 ग्राम का रेट 32,528 रुपये, 10 ग्राम का रेट 40,660 रुपये व 100 ग्राम का रेट 4,06,600 रुपये रहा।